स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारे पास कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन मीन्स कहां पर इसका हम यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमने क्या लिखी है, बुक कैप्ट ऑन ए टेबल, कि एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है। तो आप देखते हो कि एक बुक टेबल पे रखी हुई है, बुक है वो रेस्ट में है क्योंकि वहां पर नेट फोर्स है वो आपके पास कितना है, जीरो। बुक एग्जर्ट फोर्स करती है टेबल के ऊपर, जो कि बुक का वेट होता है, टेबल उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि मान लीजिए इस तरह के सरफेस पे आप बुक को रख देते हैं कि वो बुक है वो नीचे गिर जाती है। मींस यहाँ पर आप बुक नीचे क्यों गिरी, एक्शन के इक्वल अपोजिट रिएक्शन तो थी लेकिन वो अच्छी तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। लेकिन अगर एक बुक टेबल पे रखी हुई है, इट मीन्स वो बुक उस टाइम पर किसमें है, रेस्ट में है, तो दोनों वो जो बुक का वेट होगा वो आपके पास क्या है, एक्शन, और जो टेबल है वो उसको सपोर्ट कर रही है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जब एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो जाती है तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। तो ये आपके पास देखो यहाँ पर ए बुक कैप्ट ऑन ए टेबल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द टेबल विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ बुक, उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे। द टेबल सपोर्ट द बुक By exerting an equal force on the book, टेबल है वो क्या करती है, इक्वल फोर्स लगा रही है बुक पे, वो उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। सो नेट फोर्स है बुक के ऊपर वो जीरो, क्योंकि बुक है वो यहाँ पर किसमें है, रेस्ट में। देयरफोर हम क्या कह देंगे कि एक्शन है वो हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉकिंग, जैसे कि हम चलते हैं, तब जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ग्राउंड को, मीन्स हमारा वेट होता है जिसके कारण जो ग्राउंड है उसको हम प्रेस करते हैं, तो वो तो हमारे पास क्या होगी, एक्शन। लेकिन ग्राउंड है वो वापिस हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। और आपने देखा होगा जैसे कि एक तो बहुत ज्यादा मिट्टी है और एक आपके पास जैसे हर सरफेस है, तो हर सरफेस पे चलना है वो थोड़ा इजी होता है क्योंकि मिट्टी में उस टाइम पर क्या होता है, एक्शन है वो ज्यादा लग जाती है, मीन्स थोड़ा सा धस जाते हैं, और जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन फिर भी हम चलते तो हैं। मीन्स फॉर एवरी एक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम चलते हैं तो हमारा जो वेट है वो उसके कारण हम प्रेस करते हैं ग्राउंड को, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्शन, और जो ग्राउंड है वो वापिस हमें सपोर्ट करता है जिसके कारण हम आगे की तरफ चलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे व्हाइल वॉकिंग ए पर्सन प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे आपने देखा भी होगा कभी मिट्टी होगी तो इस तरह से आपके पास ऐसे यू इस तरह से निशान ऐसे गिर भी जाते हैं पैर से, तो ए पर्सन प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन वो हमारे पास क्या है, एक्शन। बाय हिज फीट द ग्राउंड पुश द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विच विद एन इक्वल फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यही क्या है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फायरिंग फ्रॉम ए गन है, थर्ड हमने क्या लिखा, फायरिंग फ्रॉम ए गन, कि जैसे एक गन से फायरिंग करते हैं तो जो बुलेट होती है देखो जब वो आगे की तरफ जाती है, जैसे ट्रिगर को दबाते हैं बुलेट आगे की तरफ जाती है, मीन्स ट्रिगर को दबा रहे हैं हमने क्या की, एक्शन। अब आपने देखा होगा कि वो कंधे से बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखते हैं गन को, क्योंकि गन है वो पीछे की तरफ रिकॉल्स हो जाती है, मीन्स पीछे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो जैसे ही बुलेट आगे की तरफ जाती है, एक्शन। दूसरा हमारे पास क्या लगता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगती है। ये हमारे पास किस एग्जाम्पल हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन ए गन इज फायर्ड फ्रॉम द बुलेट मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक्शन। तो गन है वो रिकॉयल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिकॉयल्स मीन्स एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है, इसलिए बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं गन को, आपने देखा होगा कंधे से बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखते हैं, अगर बिल्कुल टाइटली पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो छूट भी सकता है, मीन्स निशाना है वो चूक भी सकता है। तो यहाँ हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है, मीन्स यूजेज है, डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज
करते हैं। तो और भी है हमारे पास, लेकिन आप ये 3 नोट कर लेना। और हम ओरली बता रहे हैं, जैसे स्विमिंग है, तैरते हैं, तो आपने देखा होगा कि या किसी को तैरना भी आता होगा, तो आप ये देखते हैं कि जब भी तैरते हैं तब वो हाथों से ऐसे पीछे की तरफ, पानी को ऐसे पीछे की तरफ करते हैं। वो अब क्या की एक्शन, अब जो पानी है वो क्या करता है, अपोजिट रिएक्शन लगाता है, जिसके कारण हम आगे की तरफ स्विम करते हैं, तैरते हैं। ऐसे आपने बोट का भी देखा होगा कि जब बोट होती है तो उसमें आप देखा होगा पानी को ऐसे पीछे की तरफ करते हैं और पानी है वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है। तो ये भी आपके पास एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ पे मोशन की। या एक बॉल है, एक बॉल को स्ट्राइक किया और बॉल है वो वापिस रिबाउंड होके आती है, तो ये भी आपके पास एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ पे मोशन। तो इन डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी फिनोमिनन है जिसके अंदर, और लॉ होते हैं ना जो हमारे पास, वो यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं। एक आपके पास प्रिंसिपल होते हैं और एक होते हैं लॉ। प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, जो या आपके पास जितने भी कोई भी और भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, तो प्रिंसिपल होते हैं कि जो सिर्फ एक टर्म के ऊपर ही वर्क करे। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल होते हैं जो वो सिर्फ उसी टर्म, जो भी हम जिस भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको तो हम प्रिंसिपल कहते हैं। लो होते हैं जो हमारे पास यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, लो। तो ऐसे ही हमारे पास न्यूटन के ये 3 लो थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो ये कुछ एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसी के ऊपर बेस्ड है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना बेटा इसको, और अंडरस्टैंड भी कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।